दोस्तों नमस्कार। आज का इस एपिसोड में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। सचमुच जो लोग ऑनपैसिव का ब्रांड एम्बेसडर है, फाउंडर मेंबर है, उन लोगों के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है और साथ ही साथ इस वीडियो का हर एक शब्द के ऊपर, हर एक बात के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर है तो आप लोगों का बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, आपको अर्निंग कैसे होगी सारी चीज जानने के लिए। तो कुछ तीन चार पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले पॉइंट्स होगा डाउट्स। जो लोग ऑनपैसिव में इकोसिस्टम में ठीक ठाक रजिस्टर्ड हो पाया नहीं हो पाया उसका डाउट क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका होगा कि अभी तक जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाया वो सही तरीके से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा कि इनकम कैसे होगा और इनकम का बारे में क्या जिक्र करना चाहिए या नहीं। चौथा, जो लिंक शेयरिंग का बात किया जा रहा है, यह हम लास्ट एंड पार्टनर है, जो हम लास्ट में ज्वाइन किया, हमने तो किसी को ज्वाइन नहीं कर पाया, तो हमारा इनकम कैसा आएगा। ये चारों पॉइंट के ऊपर कंप्लीट आपको नॉलेज देंगे और साथ में आप लोगों को वॉइस मैसेज जो मैनेजमेंट के टीम के तरफ से जो सेम वेबिनार होता है उसमें से क्या डिस्कशन हुआ उसका जस्ट सब कुछ आपको समझाएंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमें ये जानना है कि हमारा ऑन पैसिव में इकोसिस्टम के अंदर रजिस्टर हो पाया नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन करते टाइम www.onpassive.com में जाके रजिस्टर कर दिया, एज ए फाउंडर के बजाय वो एज ए यूजर या कस्टमर रजिस्टर हो गए। तो वो कैसे पता करे कि सचमुच मेरा रजिस्टर एज ए फाउंडर हुआ या यूजर। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही ऑनपैसिव डैशबोर्ड को खोलेंगे, लॉग इन करेंगे, लॉग इन करते ही आपका इकोसिस्टम में जैसे लॉग इन होगा तो राइट साइड कॉर्नर में जो आपको आइकन या लोगो आपको मिलेगा आपका नेम का, उसको टच करते ही आपका प्रोफाइल करके एक ऑप्शन आएंगे, माय प्रोफाइल। तो माय प्रोफाइल टच करिए। माय प्रोफाइल टच करते ही आपको जो पेज ओपन होगा उस पेज में देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो फाउंडर का लोगो या आइकन, ये आपके एक कंफर्मेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर का तरफ ले जाइए, नीचे आपको दिखाई देगा आईडी। आईडी में आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर है उस हिसाब, जैसे मेरा नाम है सुब्रत सरकार तो एस एस करके उसके बाद कुछ न्यूमेरिक्स डिजिट आया हुआ है, ऐसे आपका आईडी आपको मिलेगा। तो आपको कंफर्म है कि आपका इकोसिस्टम में एज ए फाउंडर रजिस्टर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको गलती से फिर एज ए यूजर या एज ए कस्टमर आप रजिस्टर हो चुके, उस मामले में आपको क्या करना है। घबराने का कोई बात नहीं है, सबका सब कुछ का ऑप्शन है। उस सिचुएशन में मैनेजमेंट का टीम का तरफ से धीलंजे भी बताया या हम लोगों को बहुत सारे वेबिनार में हम लोगों को ये मैसेज मिला था कि उस सिचुएशन में आपको एक मेल करना है। किसमें मेल करना है, जैसे आपको स्क्रीन में देख रहा है कि wrinkleoes@gmail.com, इसमें आपको मेल करना है और उसमें आपका ओमेल जो क्रिएट किया, चाहे एज ए यूजर रजिस्ट्रेशन गलती से हो गया लेकिन ओमेल आपने क्रिएट किया, तो उस ओमेल आईडी और आपका अल्टरनेट जो ईमेल आईडी जो दिया था वो ईमेल आईडी, वो दोनों मेंशन कर दीजिए और एक लाइन क्लियर शब्द में लिख दीजिए कि बाय मिस्टेक आई रजिस्टर्ड एज ए यूजर, प्लीज रेक्टिफाई मी और हेल्प मी एंड रेक्टिफाई टू एज ए फाउंडर रजिस्टर करके। तो उसको एक लाइन में क्लियर शब्द में लिख दीजिए, उनको समझ में आएगा कि आप बाय मिस्टेक के आप एज ए यूजर रजिस्टर हो गए फाउंडर के बजे, तो जरूर आपको वो आपका मेल में मैसेज आएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसको आपको हरी भरी करने का जरूरत नहीं, हर रोज दो बार मैसेज भेजने का भी जरूरत नहीं, एक बार ईमेल कर दिया उसके इंतजार करना है, उसको आपको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अब आता हूं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हरी भरी में गलत रजिस्ट्रेशन कर देता है, या बहुत सारे लोग अभी क्या है, कुछ दिन से हम लोग बोल रहा था वेट कीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट होकर आएगा तो आपको सही ढंग से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा, कई
फिक्स टाइम नहीं है कि आज करना है कल करना है, अभी टाइम आपको दिया जाएगा, सबको लिया जाएगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक को फाउंडर 14 लाख पूरा के पूरा इकोसिस्टम में आएंगे। तो अभी तक जो लोग नहीं किया आराम से करिए, पर सिस्टमेटिकली, जैसा कि देखिए मैंने पहले भी इसके बारे में एपिसोड बनाया कैसे कैसे स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहले जो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं जो बता रहा हूं ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एज ए फाउंडर जो लॉग इन करते हैं वो founder.net में जाके उसमें आपका यूजर आईडी जो जीमेल का था और पासवर्ड देके आप लॉग इन हो जाइए। लॉग इन होते ही आपको देखिए एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो वो पॉपअप मैसेज में ही आपको फर्स्ट में ही जो लंबा सा पॉपअप मैसेज आता है उसको क्लोज करने से पहले भी अगर आपको एक ऑप्शन आएगा कि एक लिंक भेजा गया है www.ecosystem.onpassive.com के एक लिंक भेजा, उसमें टच करोगे तो सीधा रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। अगर उसको क्लोज कर दिया, क्लोज करके नेक्स्ट एक पॉपअप मैसेज आता है, अगर वो किसी किसी का आ रहा है किसी किसी का नहीं भी आ रहा है, जिसका आ रहा है उसमें जाकर प्रोसीड हो जाइए, जिसका नहीं आ रहा है वो जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है उसका एक कलम देखिए फाउंडर टोटल फाउंडर के नीचे जो एक ब्लू कलर का एक बॉक्स मिलता है उस कलम में आपको इकोसिस्टम में रजिस्टर करने के लिए वो ऑप्शन है उसमें टच कर दीजिए। उसमें टच करते ही आपको नेक्स्ट या तो रजिस्टर वाला ऑप्शन खुल जाएगा या तो दोबारा लॉग इन का ऑप्शन खुल रहा है, बहुत सारे फाउंडर मेंबर का लॉग इन का ऑप्शन फिर दोबारा आ रहा है। अगर फिर दोबारा लॉग इन का ऑप्शन आता है उसमें सेम आपका एज ए फाउंडर आप जीमेल का जो ईमेल आईडी दिया था वो प्लस आपका पासवर्ड दीजिए, फिर आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होते ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन क्लियर वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपको रजिस्टर का पेज खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले आप ध्यान देने वाली बात, आप देखिए आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अच्छा से आएगा और वो स्पेलिंग को चेक कर लीजिए, और उसके साथ में क्या आएगा नीचे देखिए आपका अल्टरनेट जीमेल आईडी जो दिया था ईमेल आईडी वो आ जाएगा। ये दोनों चीज जरूर चेक करिए, बाकी चीज खाली हो मिलेगा, क्योंकि पहले जैसे कुछ बता रहे थे कि हो सकता है सब कुछ भरा हुआ ऑटोमेटेड तरीके से आएगा, ये नहीं भी आ रहा है। तो मैंने खुद किया और बाकी कई सारे फाउंडर मेंबर को मैंने देखा कि वो सिर्फ आपका नाम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, साथ में आपका ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ये दोनों चीज ही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। तब क्या करना, तब आपको ओमेल आईडी जो क्रिएट करना है जैसे पहले किया तो उसको भी कर सकते हैं या नया तरीके से, पर ओमेल आईडी क्रिएट करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, ईमेल आईडी में बहुत सारे लोगों को पहले ही न्यूमेरिक्स डाला हुआ है 1234 डिजिट डाला हुआ है, पर इसमें एक्सेप्टेड नहीं है, इसमें पहले आपको लेटर लिखना है कुछ भी ABCD जो भी है नाम का स्पेलिंग है जो भी है पहले लेटर में लिखना है, उसके बाद न्यूमेरिक्स को डालना है, पहले न्यूमेरिक्स डालोगे एक्सेप्टेड नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात। तो उसमें एक ओमेल आप क्रिएट कर लीजिए, फिर पासवर्ड, पासवर्ड आप क्रिएट करिए, पासवर्ड में पहले भी बताया गया था कि एक कैपिटल में होगा उसके बाद स्मॉल लेटर में होगा उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होगा उसके बाद कुछ न्यूमेरिक्स आप डाल दीजिए। तो देखिए नीचे जो 5 डैश डैश करके लिखे वो ग्रीन होते जाएंगे, जैसे आप पासवर्ड बनाते जाएंगे ग्रीन 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 होते जाएगा, तो 5 ग्रीन ना हो 4 भी ग्रीन हो तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बन गया। सेम पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में डाल दीजिए। उसके बाद जो जीमेल का जो ईमेल आईडी पहले दिया था ऑल्टरनेटिव वो आपको शो हो गया, तो ये दोनों शो होने के बाद ही आपको आगे कार्रवाई करना, अगर शो नहीं हो रहा है दोस्त तो पीछे जाके स्टॉप करके फिर दोबारा से यही कार्रवाई करना है। तो ये सारे होने के बाद आपको वेरीफाई जो ऑप्शन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कंट्री और फोन नंबर भी एंट्री कर दीजिए, नहीं करने से भी चलेगा, वेरीफाई का ऑप्शन उसके जस्ट बाद आ रहा है, तो वेरीफाई का आप ऑप्शन को टच कीजिए। तो टच करते ही आपका जो अल्टरनेटिव जीमेल आईडी है तो उसमें आपको 6 डिजिट का कोड वर्ड आएगा, तो उसको मिनिमाइज करके आप उस 6 डिजिट का कोड वर्ड आप ईमेल से ले लीजिए। उस टाइम को थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि 3 मिनट ही टोटल आपको टाइम मिलता है, वो जो आपका 6 डिजिट का कोड वर्ड आया है, पासवर्ड आया है, ओटीपी आया है, उसको ले लीजिए, इसमें फिलअप कर दीजिए 6 बॉक्स में, फिर वेरीफाई कर दीजिए, आपको वहां वेरीफाइड करके ग्रीन कलर का लिखा हो जाएगा, दिखाई देगा आपको, फिर कंट्री सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर सिलेक्ट कीजिए, रजिस्टर टू ओमेल आईडी है, टच कर दीजिए नीचे वाला ऑप्शन, थोड़ा सा गोल गोल घूमेगा आप रजिस्टर हो गए, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा लॉगिन। लॉगिन में जैसे ही आपको खुलेगा तो वही जो आपने ओमेल आईडी क्रिएट किया
उसको लिखना है, पासवर्ड जो क्रिएट किया उसको लिखना है। आप सीधा ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इन हो जाओगे, आपको सीधा आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस, कोई घबराने का जरूरत नहीं। फिर राइट साइड में जो आपका आइकॉन का, जो आपका नेम का आइकॉन है, उसको टच करके लॉग आउट होके ही निकाल जाना। जैसे आप इकोसिस्टम खोलोगे आपका क्रेडिट पॉइंट्स आपको वहां दिखाई देगा, एक क्रेडिट पॉइंट $1 का बराबर है। आप सबको बताने का जरूरत नहीं है कितना इनकम मिल रहा है, क्या है नहीं है, उसके बारे में आगे जिक्र करूंगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि इनकम कैसे होगा। और इनकम देखिए, सबसे पहले ये बता रहा हूं कि एसजी में भी बहुत सारे वेबिनार में बताया है इस चीज को कि इनकम के बारे में सबको कोई बताने का जरूरत नहीं है, और ना कि उल्टा सुल्टा बताओ। ये एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि हमें इनकम दिखा के दूसरे को यहां ज्वाइन कराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां इनकम का डिस्कशन नहीं करना, जो आएगा तो आएगा ही, और आने के बाद इनकम बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका एक्टिविटीज, आपका बातचीत, वे ऑफ टॉकिंग, आपका रहन सहन, या आपको इनकम ऑटोमेटिक बता देगा, आपको मुंह से बताने का जरूरत नहीं है। एक एंटर डिफरेंस चीज है, आप लोग समझ जाइए इस चीज को, और आने वाला दिन में ऐसा होने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इनकम को ज्यादा किसी को बताने का जरूरत नहीं है, जो हम लोग सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। आप फोर्थ पॉइंट जो है, बहुत सारे फाउंडर या ब्रांड एम्बेसडर के अंदर एक क्वेश्चन है कि सर हमने तो लास्ट ज्वाइन किया था, हमारा बात तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पाया, या हमारा अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम लिंक को बहुत सारे को शेयर करें, हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूट करे, तो हमारा इनकम कैसे आएगा। तो उसका जवाब में जो हम लोग सेमिनार करते हैं या वेबिनार होता है, उसमें जो आंसर मिला उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। ये सबके लिए, हर एक फाउंडर मेंबर के लिए बहुत जरूरत है, और ये सुनने के, सिर्फ सुनने से भी नहीं चलेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है। और इस चीज को फिर मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं, आप पहले सुन लीजिए। ओके, देखिए 15 तारीख का अगर वेबिनार देखा होगा आपने मिस्टर ऐश मुफारे सर का, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए हम सबसे पहले तो हमें इनकम कौन से आने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर हम रजिस्टर हुए हैं और कंपनी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं पिछले 2.5 साल से 3 साल से, मे बी 2018 से भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे डिजिटल प्रोडक्ट, ये पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन बना रही है ऑन पैसिव, और ये पूरा इको सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट को नहीं चाहिए। हमारे पास CRM है, हमारे पास HRM है, हमारे वीडियो एडिटिंग है, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मेल का हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट आप यूज करते हो, B2B B2C सारे सॉल्यूशन ऑन पैसिव आपको दे रही है। और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये बिलियंस डॉलर के प्रोडक्ट है मार्केट वैल्यू इसके अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको मेन इनकम आने हैं, ये प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल होंगे और इसका कमीशन कंपनी आपको जनरेट करेगी। आयश सर ने कहा था कि यहाँ पे हमें दो टाइप के कमीशन मिलेंगे। कुछ कमीशन ऐसे होंगे जो 40% आप में शेयर किए जाएंगे फाउंडर्स में, कुछ कमीशन ऐसे होंगे जो 50% शेयर किए जाएंगे, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपको कमीशन नहीं मिलेंगे, जो फ्री प्रोडक्ट है, जैसे कि ओ मेल की हम बात करते हैं, ओ ट्रीम की बात करते हैं, या फिर हम ओ नेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो प्राइमरी मीन्स अभी जो हमारा इनकम शुरू होने वाला है, जैसे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड है अभी, और मैं जो रियल चीजें है मैं आपको बोलूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व की मिस्टर ऐश मुफारे सर को जब मैंने सुना था उस वेबिनार में देखा था, तब मैंने जो ऑब्जर्व की और टेक्निकल वे से मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको कहना चाहूंगा। यहाँ पे अभी हम जो इनकम जनरेट करेंगे ये हमें कंपनसेशन मिलेगा, हमें कमीशन अभी नहीं मिलेगा। आपके जो एफिलिएट लिंक है, मीन्स आपको, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो जिसमें कुछ फ्री प्रोडक्ट है, जैसे कि ओ मेल है और जैसे कि ओ नेट है, और इसके अलावा हमारे पास ओ कनेक्ट है, और हमारे पास ओ ट्रैकर भी है, ठीक है। ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट हमारे पेड प्रोडक्ट होंगे। अब उसका क्या सब्सक्रिप्शन प्राइसेस होगा आने वाले नेक्स्ट मंथ में, हमें ओ कनेक्ट लॉन्च होने के बाद में भी पता चले। और कुछ फ्री प्रोडक्ट है, इनके एफिलिएट लिंक हम शेयर करेंगे। शेयर करेंगे मींस इसका जो आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होगा इसमें, और आप इसको मार्केट भी करेंगे एक प्रॉपर वे से, एक डिजिटल वे से, और कंपनी जो गाइडलाइन देगी उसके थ्रू आप इसे शेयर करेंगे, और यहां से आपके कंपनसेशन स्टार्ट होंगे। और ये कंपनसेशन आपको आपके एक्शन पे मिलने वाले हैं। एक्शन मीन्स आप जो एक्शन लेंगे, आपके पास अगर कोई
लिंक आती है तो उस लिंक को आप किस तरह से शेयर करते हैं वो आप पे पूरी डिपेंड होती है चीजें, और आप उसे जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा क्राउड आपके साथ जुड़ेगा एज अ ट्रैफिक, और वहां से आपका उसका कंपनसेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से, वो हमारा एक फर्स्ट इनकम है। उसके बाद ऐश सर ने कहा था कि कुछ महीनों के बाद ऑन पैसिव पूरी तरह से जब मार्केट को ग्रैप करेगी उस वक्त कमीशन आपको मिलेंगे। तो जिनके ये लिंक है, जिनके आप आपके दोस्त की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सिंगल फाउंडरशिप है और मैं किसी को लिंक शेयर नहीं करूंगा, तो अभी कंपनसेशन में अगर वो यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो उनको इनकम आएगा, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक ऑन पैसिव कंपनी अपना कमीशन प्लान स्टार्ट नहीं करती। ये मे भी आने वाले 2 महीने में हो सकता है, 6 मंथ में भी हो सकता है। अगर उन्हें अभी इनकम जनरेट करना है तो अभी उनके पास ऑप्शन है कि उनकी जो लिंक उनके पास आ रही है एफिलिएट लिंक उसको वो शेयर करें। और शेयरिंग मीन्स ऐसा नहीं कि आपने एग्जांपल आपने ओ कनेक्ट की लिंक शेयर कर दी और उस व्यक्ति ने जिसके साथ आपने ओ कनेक्ट शेयर किया उसने ओ कनेक्ट का पैकेज ले ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शेयर भी करते हैं सिंपली, किसी को भेज भी देते हैं तो भी वो कंपनसेशन में आपका गिना जाएगा। तो अभी हमें जो इनकम मिलने वाले हैं वो है कंपनसेशन, और कमीशन जो है हमें आगे जाके मिलेंगे। अभी हमें इनकम चाहिए तो हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो एक्शंस एक डिजिटल वे से होने चाहिए, एक प्रोफेशनल वे से होने चाहिए, और कंपनी जो गाइडलाइन देगी आपको उसको फॉलो करके होनी चाहिए। थैंक यू। यस सर, एक दूसरा छोटा सा सवाल है, डीडी सर ने बताया था कि अभी से एंगेज होना जरूरी है, तो जैसे एंगेज जो होना है तो जैसे पैसा भरने के बाद एंगेज हुआ तो चलेगा या फिर अभी तो एंगेज होना? नहीं सर, एंगेजमेंट किसे कहा जाता है? एंगेजमेंट मीन्स आप ऑन पैसिव से कनेक्ट हुए। कुछ ना कुछ समय स्पेंड करिए, वहां पे इतना सारा नॉलेज है, वहां पे प्रोडक्ट्स के जो वहां पे की फीचर्स है उसको जानिए, वहां पे जो ब्लॉग्स पड़े हैं उसे पढ़िए। अब एंगेजमेंट से क्या होगा, हमारा एसईओ स्कोर बढ़ेगा, हमारा डोमेन स्कोर बढ़ेगा। एसईओ स्कोर और डोमेन स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। उससे क्या होगा कि गूगल में हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। गूगल में मींस किसी भी सर्च इंजन में, हो याहू हो, बिंग हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्च इंजन हो, कोई भी इंजन जो हम यूज करते हैं उसमें हमारे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। अगर वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है तो ट्राफिक हमारे साथ बढ़ रहा है, ट्राफिक हम बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हमारा क्या रोल है वो देखिएगा, हम ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर हैं, हम ऑन पैसिव कंपनी के सबसे पहला हम ट्रैफिक है और हम सबसे पहला ट्रैफिक सोर्स भी है। यहां से हमें हमारा क्या अभी दायित्व होने वाला है या फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी फाउंडर्स की कि कंपनी के साथ हम खड़े हैं। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हमने $97 भर दिए अब कंपनी हमारे लिए सारी चीजें करेंगे। आपको एक शब्द दिया गया है फाउंडर, और अभी आपको एक शब्द दिया गया है ब्रांड एम्बेसिडर्स। ब्रांड एम्बेसिडर्स किसे कहा जाता है? जो किसी ब्रांड को प्रमोट करता है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो ब्रांड है ना, ये हमें प्रमोट करना है और हम प्राइमरी सोर्स है ऑन पैसिव का, और हम यहाँ से जो ट्रैफिक जनरेट करेंगे ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होने वाला है। ऑन पैसिव अगर चाहती तो अपने आप ये सारे प्रोडक्ट बनाती और अपने आप को मार्केट में लॉन्च करती और ट्रैफिक को लीड को जनरेट करती मार्केट से, ठीक है। और लीड जनरेशन और ट्रैफिक इंक्रीज करने के जो प्रोग्राम है ना ऑन पैसिव अपने लेवल पर चला रही है। बट हमें हमें क्यों बोला गया है कि आप अपने लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि हमारे साथ जो ट्रैफिक आएगा वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है उसका कन्वर्जेशन रेट जो होता है वो 90% से अधिक होता है, 90-95% के अधिक। क्योंकि आप अगर किसी को लिंक शेयर करते हैं तो 1-to-1 आप उसे मिलते हैं या फिर उससे बात करते हैं या फिर आप जो भी माध्यम से व्हाट्सएप के या फिर ईमेल के माध्यम से लिंक शेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो आप आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को मीन्स आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल लंबा होता जा रहा है बट तो मैं इसे क्लियर भी करना चाहता हूँ कि मैं देखिए मैं आप छोड़ दीजिए कि मैं अनूप गावंडे हूँ और मैं प्रेजेंट करता हूँ ऑन पैसिव को, मैं सिंपल एक फाउंडर हूँ ऑन पैसिव का, और मेरे पास ओ मेल आ जाता है तो मैं तो चाहूंगा कि ओ मेल में मेरे सिस्टर का भी अकाउंट बन जाए, ओ मेल में मेरे भाई का भी बन जाए, मेरे दोस्तों का भी बन जाए। क्यों? क्योंकि ओ मेल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो जी मेल से बहुत ज्यादा बेटर मुझे मिल रहा है।
और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इंटरफेस बहुत अच्छा है और बहुत स्मूथ है, पर यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है कि किसी को अगर मैं मेल सेंड करता हूँ तो उस व्यक्ति ने उस मेल को रीड किया है या नहीं किया है, ये भी मुझे पता चलता है। बहुत सारी फीचर्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे की फीचर्स हैं, तो मैं तो उससे शेयर करूंगा। तो मैं जब मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में शेयर करता हूं, तो अगर मेरे सिस्टर को मुझे शेयर करना है तो मैं डायरेक्टली लिंक शेयर करके उसका मोबाइल हाथ में ले लूंगा, उसका ओमेल कनेक्ट करके दे दूंगा। यानी ये जो मैंने ट्रैफिक दिया ये 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिया और इसके जो कन्वर्जेशन रेट है 90% से अधिक है। इसलिए एज सर ने ये प्लान बनाया कि हम एज अ फाउंडर लोगों को साथ में लाते हैं और इनके थ्रू हम एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं और ये हमारा ट्रैफिक का सबसे बड़ा सोर्स होंगे जो सारे फाउंडर्स होंगे। इसीलिए हमें अभी ब्रांड एम्बेसडर्स कहा जाता है और हम इस कंपनी को बड़ा बना रहे हैं। हमें आप जो आप लोगों को समझ में आया, आखिर में सबको एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो अनपैसिव का फाउंडर मेंबर है, इनको बार बार बोला गया कि आप अनपैसिव में ज्यादा एंगेज हो जाओ। एंगेज इन द सेंस आपको अनपैसिव.com को हर रोज कम से कम सर्च करना है, खोलना है वहां जाके ऑनलाइन में नेट के ऊपर। तो जैसे हम बार बार ऑन पैसिव को हम खोलेंगे, उसका अंदर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे जो भी कुछ है, तो हम ट्रैफिक में उसको ज्यादा ला रहे। तो कंपटीशन में मार्केट में अभी ऑन पैसिव का ट्रैफिक बहुत आने लगा है, तो हम लोगों का मेन टारगेट क्या होगा कि ट्रैफिक व्यू ज्यादा होना है, सभी को हमें उसमें एंगेज होना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना है। और बाकी तो उन्होंने वॉइस मैसेज में हम लोग सब कुछ जान लिया होगा, सुन लिया होगा कि क्यों ये सारे चीज करना है, लिंक को कैसे हम शेयर करेंगे, क्या करने से कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यही तरीके से हमारा रेवेन्यू हमारा वॉलेट में हर रोज आपको आना शुरू हो जाएगा। रोज तो है ही है, साथ में घंटे मिनट भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा आज का ये एपिसोड। हो सकता है थोड़ा सा लिंक भी हुआ, पर सबको इसको शेयर करना लिंक को, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए सभी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।